स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लर्निंग का एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है और वो सारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो एज वी नो, मशीन लर्निंग इज लर्निंग फ्रॉम डेटा। सो फर्स्ट स्टेप इज गो एंड फेच द डेटा। ओके, डेटा सेट को ले आइए। ओके, जैसे प्राइस प्रिडिक्शन का डेटा है, आप उसे लेकर आइए। ओके, देन अप्लाई सूटेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन दैट डेटा सेट। ओके, तो उस डेटा सेट पे सूटेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाइए। यदि आपको लगता है कि रिग्रेशन लगाना चाहिए तो रिग्रेशन लगाइए, क्लासिफिकेशन लगता है तो क्लासिफिकेशन लगाइए, अदरवाइज न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, जो भी आपको लगता है कि इस डेटा सेट पे लगना चाहिए और ये अच्छा आउटपुट देगा, ऐसा। ठीक है, अब एक बार आपकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग हो गई और आपको आप एक बेस्ट मॉडल आपने बना लिया, तो उस मॉडल को सेव कर लीजिए पिकल फाइल के फॉर्मेट में। मॉडल को सेव करने के दो तरीके हैं, तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, तो मैं पिकल फाइल आपको बोल रहा हूँ। अब ये पिकल फाइल जब बन गई तो इसको एक्सपोर्ट करके ले जाना है अपने फ्लास्क या जेंगो या जो भी आप फ्रेमवर्क वेब का यूज कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन का, उस पर लेकर जाना है। और उस फ्रेमवर्क से आपको इनपुट देना है और अपना जो मॉडल फाइल आपने बनाई है उसे कंज्यूम कराकर या उसके बेसिस पर आपको वहां से आउटपुट लेना है। तो ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर है।